हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज के ट्रेड का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद कल के लिए देखेंगे कि कल कैसे हमें ट्रेड करना है। इससे पहले वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए इसको 5 मिनट में कर लेते हैं क्योंकि 5 मिनट में ही ट्रेड किया जाता है, सबसे बेस्ट रहता है 5 मिनट में, 15 मिनट में मैं प्रीफर नहीं करता। देखिए आज है 26 तारीख, पहले मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, बायर्स ने दिखाया था स्ट्रेट लाइन को, 18,750 को ही ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वहां से नीचे आया, फिर यहाँ पे एक हाई और हाई लो का बना, तो मेरा ट्रेड एक यहाँ पे बना था, मेरे से मिस हो गया तो मैं नहीं लिया। सेकेंड ट्रेड मैंने लिया, कब लिया, जब ये ट्रेड यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने वाला था 16, मैंने आप सभी को टेलीग्राम में भी बताया था, आप सभी को अपना टेलीग्राम भी दिखाते चल रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक सिग्नल प्रोवाइड किया था कि इसके नीचे जो ये मैं लाइन खींचा है ये 18,650 का लाइन है, ये हाँ हम कई दिनों से यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए कब भी बना हुआ है, तो यहाँ पे लेने के लिए नहीं बताया था लेकिन मैं प्राइस एक्शन भी डाल दिया करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग का भी मैंने दिखा दिया था और कब लेना था, जहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे नीचे इसको सपोर्ट लिया 18,650 को, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर मैंने बोला वहां पे लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिया था। और यहाँ पे अगर मार्केट को जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कई दिनों से मार्केट यहीं पे, 3-4 दिनों से मार्केट यहीं पे, मैं वीडियो हर वीडियो में बताता चला हूँ और अपने टेलीग्राम पे भी कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। इसी सपोर्ट को ब्रेक होने के लिए मैंने यहाँ पे रीटेस्ट पे मैंने एंट्री बनाई थी अपना, लेकिन यहाँ पे ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो मेरा जो SL है वो हिट हो गया, हालांकि मैं पहले ही जीत कर लिया था। नेक्स्ट मेरा जो बना था नेक्स्ट ट्रेड मैंने अपने सेटअप पे यहाँ पे लिया था, 16,780 करीब मैंने यहाँ पे लिया था, मेरे को 10-20 पॉइंट मेरे को चाहिए लेकिन उतना नहीं चाहिए था, लेकिन उतना पे मेरे को क्योंकि 1:4 मेरा टारगेट था तो यहाँ पे भी मैंने एग्जिट कर लिया था। नेक्स्ट मेरा जो बना था यहाँ पे बना था, मैंने आज टोटल 3-4 ट्रेड लिया था जिसमें से मैंने अपने टेलीग्राम पे 2 ट्रेड दिया था। लास्ट में जो ट्रेड मैंने दिया था इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था तो मैं वहां पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि PNL अपना प्रॉफिट में रखना है तो उसमें प्रॉफिट में करके मैंने एग्जिट कर लिया। क्योंकि आज का देखेंगे मार्केट तो चौपी रहा एकदम, तो ट्रेड इसमें ऑलमोस्ट SL ही हिट होते हैं। तो अब देखते हैं कल का ओवरव्यू क्या होने वाला है, कैसे हम लोग कल ट्रेड करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंट नोट करके रखना है कि ये 16,500 इसको में हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसको अगर ब्रेक करेगा मार्केट तो हम लोग ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर ऊपर के लिए बताएं तो ऊपर के लिए हमारा जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा 18,700 के ऊपर हम लोग का ट्रेड बनेगा। अगर इसको ब्रेक कर रहा है मार्केट या गैप अप हो रहा है तो सपोर्ट अगर इसको ले रहा है, अगर इसमें 15 मिनट ट्रेड कर रहा है तो अपने सेटअप पे जो कॉल के साइड में जाऊंगा, नीचे के साइड अब मैं नहीं जाने वाला हूं, नीचे के साइड में तब जाऊंगा जब इसको हमें मेरे को लगेगा कि इसको ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ब्रेक करेगा, करना ही चाहिए था लेकिन नहीं किया क्योंकि प्रिडिक्शन के ऊपर होता है और 100% कुछ भी नहीं होता, तो इसी बेसिस पे मैंने लिया था। हालांकि SL तो हिट नहीं हुआ लेकिन लॉस में ही गया, यहाँ पे लॉस में नहीं गया था, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया था और यहाँ पे प्रॉफिट में PNL को प्रॉफिट में करके एग्जिट कर लिया था।